मैं MM खान डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आए हैं और हमारे साथ जो है प्रधान लोग भी आए हुए हैं और ये आज चाइल्ड फ्रेंडली या वुमेन फ्रेंडली पंचायत के लिए हम लोग उड़ीसा में आए हुए हैं। बहुत ही यहाँ पे अच्छा, एक तो यहाँ रहने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हमारे जो प्रधानगण आए हैं यहाँ पे सभी राज्यों से जो PPT दिखाई जा रही है या वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है या जो यहाँ बताया जा रहा है, बहुत ही इनके लिए जो है अच्छा ये विचार इनको मिलेगा और निश्चित तौर पर ये अपने गांव में जाएंगे और जाकर के इस तरह के विचार को, इस तरह के लोग जो जहाँ जहाँ चाइल्ड फ्रेंडली या वुमेन फ्रेंडली पे जो काम हो रहे हैं वैसे काम अपने यहाँ भी करवाने का जो प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आने पे बहुत बड़ा फ़ायदा, एक तो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो है हमारे यहाँ जो गाँव में कार्य हो रहे हैं वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे, वो बच्चों को कैसे यहाँ पे कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाए उसके लिए भी नए नए लोग फिल्म में यहाँ पे दिखाई दिए हैं और कैसे जो है माताएं जो हमारे कैसे हेल्दी हों और महिलाओं के लिए प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, वो सब इन लोगों को सीख जो है सीखने का मौका मिला है और ये एक अच्छा मतलब इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है पूरे भारतवर्ष में और ख़ास तौर से यहाँ का जो उड़ीसा के बारे में जो दिखाया गया, उड़ीसा की ग्राम पंचायतों के बारे में दिखाया गया है, अन्य राज्यों के बारे में जो दिखाया गया है, ये हमारे प्रधानगण लोग जो सीख के जाएंगे तो अपने अपने गांव में निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा जो है प्रयास करेंगे कि इनका गाँव भी जो है महिलाएँ कैसे सशक्त हो और कैसे हमारे बच्चे जो है कुपोषण से मुक्ति पाएँ और कैसे बच्चे हमारे जो है आगे बढ़े हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे जो है हमारे देश का जो है भविष्य है, तो हम शुरू से ही बच्चों को अगर आगे बढ़ाएंगे या उनको सिखाएंगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा और इससे जो है सभी लोगों को जो है फ़ायदा भी होगा और गाँव में जागरूकता भी आएगी। इसी को लेकर हमारे यहाँ करीब 9 प्रधान लोग यहाँ आए हुए हैं जिससे सभी लोग सीख के जाएंगे तो अपने अपने गाँव में अन्य प्रदेशों से जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको वहाँ पे उतारने का जो है गांव में अपने प्रयास करेंगे और इनके लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उसी जैसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र को कैसे सुसज्जित करें, किस तरह से उसको बच्चों को मोटिवेट करें खिलौने दे करके और उनको जो है वीडियो फिल्म दिखा करके या उनके जो है हाईटेक कैसे आंगनवाड़ी हों, पानी की सुविधाएँ वहाँ किस तरह की हों, किस तरह से बाल वाटिका बनाई जाए और वहाँ पर किस तरह से डेवलप किया जाए, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन से स्कीम चलाए जाए, कैसे महिलाएं प्रोटेक्ट हों और कैसे सेल्फ डिफेंस के लिए वो ट्रेनिंग लें या मतलब महिलाओं के लिए कैसे ऐसे जिस ग्रुप बना करके अपने गांव का अपने खुद ही स्वावलंबी बने और अपने गांव को भी स्वावलंबी बनाने का प्रयास करेंगे और गांव का जो लोकल प्रोडक्ट है लोकल प्रोड्यूस को जो है किस तरह से बना करके और गाँव में बेच करके और अपना जो है आजीविका में जो है सुधार लाएँ, ये भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और गाँव की महिलाएँ कैसे स्वस्थ हों और स्वस्थ हों इसके लिए जो है इसमें तमाम आज कल भी और आज भी तमाम फिल्में वहाँ दिखाई जा रही हैं जिससे कि ये लोग जा कर के सीख करके अपने गांव में भी इस तरह का करने का जो है प्रयास करेंगे जिससे कि जो है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये थीम 9 थीम में से 2 थीम ये भी थी, इस थीम का यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनको जो है प्रैक्टिकल का और थ्योरेटिकल भी और अभी बताया जा रहा है कि आपको गाँव में भी ले जाएंगे कल घुमाएँगे दिखाएँगे, तो इस तरह का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमें है ख़ास तौर से भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का, हमारे सचिव महोदय जो भारत सरकार के हैं और हमारे जो स्टेट के सचिव महोदय झा सर हैं और डायरेक्टर साहब हैं हमारे माननीय मंत्री जी पंचायती राज के हैं, उन्हीं के प्रयास से हम सभी लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं उनका अत्यंत हम आभारी हैं और माननीय पंचायती राज मंत्री भारत सरकार और सचिव महोदय एडिशनल सेक्रेटरी महोदय का हम विशेष तौर से भी धन्यवाद हैं कि उन्होंने इतना बड़े प्लेटफॉर्म हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए को दिया जो उड़ीसा में आकर के अपनी बातों को रख सके हैं और यहाँ पे सीख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम सभी की ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे पूरा उत्तराखंड की ओर से कि जो भी हमारे प्रधान और हमारे जो महिलाएं और जो प्रतिनिधि आए हुए हैं ये जाकर के अपने अपने गांव में इसको अच्छा करने का जो प्रयास करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।